हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ब्रोकली की सब्जी। ब्रोकली की सब्जी इतनी टेस्टी बनती है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। एक बार मेरे तरीके से अपनी ब्रोकली की सब्जी बनाकर देखिए। तो इसके लिए मैंने लिए हैं आलू, लिए गाजर, बैंगन, ब्रोकली, सोयाबीन की बड़ी, पनीर लिया है, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, जीरा, हींग, हल्दी, मिर्च और धनिया, अदरक का पेस्ट, नमक। तो कढ़ाई में तेल लगा देंगे और तेल को अच्छा गर्म होने देंगे। तेल से हल्का सा धुआं आ रहा है, तेल गर्म है तो जीरा डालेंगे और साथ में हींग, इन्हें चटकने देंगे और प्याज डालेंगे। प्याज डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा चलाकर पकाएंगे। अब डालेंगे हरी मिर्च और हमने जो अदरक का पेस्ट लिया है ना, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और उसको पेस्ट बना के इसमें हमने डाल के ऐसे अच्छे से भून लेते हैं। तो ये देखिए, प्याज हल्की गोल्डन कलर की हो गई है। ये तो बस हमें इतनी ही प्याज पकानी है, ये अच्छी सी पक गई है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, टमाटर को भी चलाएंगे और हल्का सा पका लेंगे। टमाटर जब हल्के सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसमें डालेंगे ब्रोकली और सारी सब्जियां। तो यहाँ हमने ब्रोकली डाली, आलू डाले, मिक्स किया और गाजर को डाला, बैंगन। फ्रेंड्स, हमने ये सोयाबीन की बड़ी जो ली है, इसको पानी में अच्छे से गरम किया था और उसके बाद इसको भिगो के अच्छे से इसका पानी निचोड़ कर जब हमने यूज़ किया है। तो सोयाबीन की बड़ी को आप इस तरह से करें। ये मसाले लिए हैं मैंने, तो मसालों में मैंने लिया हल्दी, मिर्ची और धनिया पाउडर। तो सारी चीज़ों को हम मसालों को अच्छे से थोड़ा सा गीला कर लेंगे, सूखे मसाले नहीं डालेंगे हम सब्जियों में। इस सब्जी के लिए खास हमें मसालों को गीला करके डालना होता है, तभी इसका बहुत ही सुंदर टेस्ट आएगा, ऐसा कि आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाओगे। और जिस किसी मेहमान को खिलाओगे ना, तो वो पूछेंगे, भाई कैसे बनाई, बहुत ही टेस्टी लाजवाब सब्जी बनी है। बस अब इस मसाले को सब्जी के ऊपर फैला देना है। इसका फायदा क्या होगा कि जब हम ये सब्जी चलाएंगे तो ये पक जाएगी, तो तेल अपने आप ही छोड़ने लगेगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, हमें पानी नहीं लगाना, हमने सब्जी को मिक्स किया है ताकि सारे मसाले सब्जी में अच्छे से मिक्स हो जाएं। जब मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, और फिर ये कुछ सब्जियाँ इसमें ऐसी हैं जो पानी को छोड़ती हैं, तो फ्रेंड्स जैसे कि बैंगन है, गाजर है, इनमें पानी होता है और ये पानी को छोड़ते हैं सब्जी बनाते समय। तो फ्रेंड्स, जब ये पानी छोड़ेंगे तो इसमें पानी ऑलरेडी हो जाएगा, इसलिए पानी की मात्रा हमें बहुत ही कम रखनी है, जो कि मैं अब दिखाऊंगी आपको। तो ये मैंने उसी मसाले वाली कटोरी में मात्र आधी कटोरी पानी लिया है और बस उसको ही इसमें डाला है और मिक्स कर देंगे इसे। अब हम डालेंगे नमक, तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नमक यूज़ किया है। सब्जी को मिक्स करेंगे ताकि नमक पूरी सब्जी में अच्छे से मिल जाए। सब्जी को चलाने के बाद हम इसे जो है, देख रहे हो आप फ्रेंड्स कितना कम पानी मैंने यूज़ किया है, आपको पता चल रहा है ना। तो बस ये सब्जी जो है हम यहाँ पर कवर करके 20 मिनट के लिए पकने छोड़ेंगे। 20 मिनट बाद हम चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, बीच में भी चेक कर सकते हो आप। तो मैंने यहाँ पर सब्जी को चेक किया है, ये सब्जियाँ सारी अच्छे से पक गई हैं। ये देखिए, सारी सॉफ्ट हो रही हैं, दिख रहा है ये चलाते समय ही कि हाँ, ये सारी अच्छे से बन गई हैं। तो ये हमारी ब्रोकली की सब्जी एकदम रेडी है। आप इनको किसी भी पराठे, पूड़ी, रोटी, चपाती, किसी के भी साथ सर्व कर सकते हो। ये सूखी ब्रोकली की सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास कोरिएंडर लीव्स नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर पनीर का डेकोरेट के लिए यूज़ किया है। तो आप चाहो तो इसको क्रम्बल करके भी पनीर को आप सब्जी में इसमें डाल सकते हो, या चॉप किया हुआ हरा धनिया इस पे डालकर आप इसको डेकोरेट कर सकते हो।
तो मैंने यहाँ पर पनीर इसीलिए यूज़ किया है। और ये इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ रहा है, इसकी खुशबू तो बहुत ही अच्छी है। बस ये सब्जी बन गई है बहुत अच्छी से, तो मैं इसको अब यहाँ पर कवर कर देती हूँ और गैस को ऑफ कर दूंगी। 2 मिनट बाद ही मैं इसको सर्व कर लूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ये सब्जी, वाह लाजवाब सब्जी बनी है। ऐसी सब्जी आप घर पर ज़रूर बनाइए एक बार।